Hi to all of you and welcome to my channel Saint's Nest. मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया हैं और इस कोविड के सिचुएशन में अपने आप का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं और जितना भी प्रिकॉशंस हमें लेना है वो सबको आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, इसलिए आपको सेफ रहना और प्रिकॉशन लेना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे एक प्रॉब्लम आया है जो मैं पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर की हूँ। वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, बट आप ये मत समझिए कि मैं आपके चैनल पे विज़िट नहीं कर रही हूँ। जब ये कमेंट डिसअपियर नहीं होता है तब मैं आपके चैनल में जाके विज़िट करती हूँ और कमेंट करती हूँ, क्योंकि आपको भी जानना ज़रूरी है ना कि मैं आई हूँ आपके घर पे, इसलिए उसी समय मैं सिर्फ जाती हूँ जो कि ओनली 2 आवर्स मुझे मिलता है। और इस 2 घंटे में मुझे 300 और 400 चैनल्स पे जाना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, तो इसीलिए जितना हो सके मैं 2 घंटे में कर पाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर 2 घंटा मैं करती हूँ। पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ताकि मैं भी वो अडॉप्ट कर सकूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक फिश रेसिपी, तो उस चलिए देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत इंस्पायर और इनक्रेज करता है और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने ये फिश रेसिपी किस तरह से प्रिपेयर किया है। ये फ़िश रेसिपी में बहुत लेस इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये रेसिपी। पहले मैंने 4 पीस रोहू फिश के लिए हैं और उसे मैंने मैरिनेट किया है सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड लेमन जूस के साथ। और इसके लिए एक मसाला तैयार करना है और वो मसाला है कलौंजी या काला जीरा, उसके साथ ग्रीन चिलीज़ को पेस्ट कर ले। मैंने यहाँ पे 4 फिश के लिए सिर्फ 2 चम्मच कलौंजी को ही पेस्ट किया है और साथ में लगेगा गार्लिक क्रश किया हुआ और कुछ रेड चिलीज़। पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालें, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट फिश मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा टेस्टी बनता है, सो प्रिफर टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें फ़िश को फ्राई कर ले फ्रॉम बोथ साइड, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करें और फ्राई करके अलग निकाल के रख ले। फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हुआ है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल। अब इसे अलग निकाल के रख ले प्लेट में। लेफ्ट ओवर ऑयल में ऐड करें कलौंजी और क्रश्ड गार्लिक ऐड करें और उसे अच्छे से फ्राई करें। नाउ ऐड स्लिटेड ग्रीन चिलीज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिलीज़ को ऐड किया है। अब इसमें ऐड करें लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर और ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स करें। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द पेस्ट ऑफ ब्लैक क्यूमिन एंड ग्रीन चिलीज। अब ये पेस्ट को ऐड करें जो हम लोग पहले बनाए थे, काला जीरा और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट को ऐड करें और इसे अच्छे से फ्राई करें। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये काला जीरा का रॉ स्मेल ना चला जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड हॉट वाटर, जितना ग्रेवी चाहिए उतना वाटर ऐड करें
और इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। जब ये ग्रेवी उबलने लगेगा तब इसमें ऐड करें फ्राइड फिश। फ्राइड फिश को ऐड करके इसे और 5 to 10 मिनट्स कुक करें ताकि फ़िश के अंदर सारे फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कि ग्रेवी हमारी तैयार है, फ़िश करी इज़ रेडी टू सर्व। इसे स्टीम राइस या बासंती पुलाव या जीरा राइस के साथ सर्व करें, और एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना था। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। Till then, bye bye, stay safe, stay strong and stay at home.